बनाव अंगे प्राप्त माहिती अनुसार भरूच और सूरत में जीप्सम वेपार करता अपूर्व शाह ने छेला नौ मास थी मित्र बनेल भीमसिंह उर्फे भीमा द्वारा वडोदरा खाते सारी क्वॉलिटी जीप्सम अपावा लई जवानी बात करी अपूर्व ने मुंबई थी भरूच बोलावी तेना सागरिता साथे नर्मदा चोकड़ी थी बेसी जाए वडोदरा तरफ जवा निकळ्यो हतो। आ दरमियान ज पोर नजीक जंगल जाड़ीवाड़ा विस्तार में अपूर्व शाह नु भीमा एंड गेंगना सभ्योए बंदूक पेट पर मूकी अपहरण कर लीधु हतु। अलग अलग स्थले जई लाखों रूपया लई लीधा हता जे बाद तेओ पोर पासेनी जग्या पर परत आवी अपूर्व ने कपड़ा वडे तेनी ज गाड़ी में बांधी दे 15 लाख उपरांतनी मत्तानी सनसनाटी भरी लूट करी फरार थता आखरे मामले अंगे भरूच सी डिविजन पोलिस मथके वेपारी अपूर्व शाहे फरियाद आपता पोलिस अपहरण लूट सहित नी कलमो लगावी भीमा गेंग सामे गुन्हो दाखल कर्यो हतो। जे बाद गणतरी नी ज दिवसोमां पोलिसे लूटनी घटना ने अंजाम आपनार भीमसिंह सोरेन उर्फे भीमो मानसिंह चोरान रहे शिवानी जिल्लो भिवानी हरियाणा राजस्थानना चूरू खातेथी झड़पी पाड़ी लूटनी घटना ने अंजाम आपनार अन्य आरोपीओने झड़पी पाड़वानो चक्रो गतिमान कर्या छे। कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी। तारीख 22 अप्रैल 2022 को भरूच के एक जिप्सम के कारोबार के साथ संलग्न व्यापारी अपूर्व शाह जी के द्वारा सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दी गई। उस फरियाद की जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उनसे भीम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया जो कि पिछले 6-8 महीने से अंकलेश्वर में था और इनके परिचित में था। भीम सिंह ने संपर्क किया कि वडोदरा में जिप्सम का स्टॉक है, आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ। इस बहाने उनको नर्मदा चौकड़ी पर बुलाया। नर्मदा चौकड़ी पर उनको गाड़ी में बैठा करके वडोदरा रूरल के विस्तार में पोर एरिया में उनको ले गया, जहाँ पे पहले से उपस्थित बोलेरो गाड़ी और उसमें सवार 4 से 5 मानस के द्वारा अपूर्व शाह जो व्यापारी हैं उनको बंधक बनाया गया। उनको फायर आर्म्स यानी कि वेपन दिखाया गया, उससे डराया गया और उनको बंधक बनाकर लंबे समय तक रखा और उनके बाद उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे मंगवाए। अपूर्व शाह के द्वारा विवशता के चलते लोकल अन्य व्यापारियों को संपर्क करके बिना इस बात का उल्लेख किए कि उनको बंधक बनाया गया है उनसे पैसा मंगवाया गया और इस प्रकार टोटल 11,69,000 रुपये मंगवाए गए। इसके अलावा अपूर्व शाह के पास उपस्थित वॉलेट से 5,000 रुपये, उनके सोने की चेन बिंटी एवं अन्य साधन और फिर डेबिट कार्ड से भी कुछ पैसे निकाले गए। इस तरह टोटल लगभग 15 लाख रुपए अपूर्व शाह जी से ज़बरदस्ती वसूल किए गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और तमाम आरोपी फरार हो गए। इस सूचना के आधार पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की योग्य धाराएं जैसे 365, 368, 384, 397, 120B और आर्म्स एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि 251A, 251BA आदि के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए भरूच जिला की तमाम SOG, LCB, डिवीज़न की टीम और सर्विलेंस की टीम को तुरंत इस मामले में संलग्न किया गया। इस मामले के संलग्नता के की गंभीरता को देखते हुए आज इस मामले के मुख्य आरोपी भीम सिंह शोराण को हमारी टीम द्वारा राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार करके यहाँ लाने में। रियाज पटेल नो रिपोर्ट, S9 न्यूज़ भरूच।